बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं कोरियन वायरल मैगी। गाइस ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही जबरदस्त बनती है, आप लोग भी इसको एक दफा इस रेसिपी से जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 पैकेट मैगी के लिए है और उनको बॉइल करने रख दिया है। तो गाइस जब तक हमारी मैगी बॉइल हो रही है हम दूसरी चीजें निकाल लेते हैं। मैंने 1 बाउल में 2 अदद लहसुन की कलियां लेकर इसको बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। और अब हम लेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हम लेंगे चाट मसाला। गाइस इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये देखिए मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। और अब हम लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया था। और इसके बाद हम लेंगे मैगी के अंदर से जो मसाले निकलते हैं गाइस, ये देखिए मैंने वो जो है दोनों ऐड कर दूंगी इसी में। ये जो है डालना ज़रूरी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये देख सकते हैं मैंने दोनों पैकेट के जो मसाले निकले थे मैगी मसाले, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून ये है कश्मीरी लाल मिर्च, आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए गाइस मैंने ये भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये देखिए गाइस मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। अब हम सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे। ये है चिली सॉस, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं सोया सॉस ऐड करूंगी, वो भी 1 टीस्पून का। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आते हैं, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। तो ये देखिए गाइस मैंने इसमें जो है सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। और अब हम जो है इसमें केचप ऐड करेंगे। गाइस मैंने जो है 1 टेबल स्पून केचप ऐड करा है इसमें, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये होममेड केचप है, ये मैंने बनाया था, आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये देखिए गाइस हमारी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब मैंने ऑयल गरम करा है, 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करा है बहुत अच्छे से, और इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए गाइस बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। गाइस जो बॉयल मैगी है उसका सारा पानी जो है मैंने निकाल दिया था और उसको एक छन्नी में रख दिया था, ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड करके बहुत अच्छे से इसको मिलाएंगे। गाइज ये मैगी अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो आप बार बार सिर्फ यही मैगी बनाएंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो ये देखिए गाइज हम इसको अच्छे से मिला रहे हैं। जब तक मैं मैगी को मिला रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए गाइस बहुत अच्छे से हमने जो है मैगी को मिला लिया है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मैंने फ़ौरन इसको ट्राई करा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था इसका। तो ये देखिए गाइस हमारी कोरियन वायरल मैगी का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त और कम टाइम में बनने वाली रेसिपियाँ लेके आती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।